गाइस आज मैं आ गया हूँ घाट के ऊपर मार्केट में। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है, कपड़े वगैरह हर एक चीज़ मिलते हैं यहाँ पर। तो अच्छा ब्लॉग होने वाला है आज का, तो पूरा एंड तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक से भी कर देना। फिलहाल हर्ष भी आए, हर्ष की मम्मी भी आई हमारे साथ, सभी लोग जा रहे हैं हम मार्केट घूमने के लिए। हर्ष जो है आइसक्रीम खा रहे हैं, हर्ष की मम्मू और हर्ष आइसक्रीम खा रहे दोनों लोग। तो मैंने भी लिया है एक आइसक्रीम, खा के देखते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है। इसको केक खाना था, देखो केक खाने लगा रास्ते में ही। इसको कहीं भी लेके जाओ तो यही करता है, ठीक है, खाने पीने के लिए टाइम पास कर रहा है। तो मैं आया था घाटकोपर में और यहाँ पर 10 मिनट से मैं खड़ा हूँ और ढेर सारे प्लेन बार बार उड़ के जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से। घाटकोपर का मेट्रो स्टेशन सामने देख सकते हैं और यहीं पर ये मार्केट लगता है नीचे, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ का। बहुत बड़ा मार्केट है भाई, ये थक जाओगे चलते चलते। यहाँ पे जूता लेने के लिए रुका हूँ मैं और ढेर सारे जूते हैं देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के। तो मैंने जो है ये वाला शूज़ सेलेक्ट किया है, डेली पहनने के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी है, अच्छा भी है। तो भाई मार्केट में हम लोग घूमने के लिए आए थे, ऐसे ही घाटकोपर का जो मार्केट है, और अभी जा रहे हैं घर पे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को घर पे चल के समाप्त करते हैं। फाइनली हम लोग घाटकोपर जा कर के आ गए, वहाँ का मार्केट भी जो भी शॉपिंग करनी थी करके आ गए। बहुत बड़ी शॉपिंग नहीं करनी थी, ऐसे घूमना था और मुझे एक सूट लेना था वो लेके आया है और बेल्ट, बाकी कुछ लिया नहीं अभी आ, तो कुछ ज़्यादा कुछ लिया नहीं और आ गया हूँ घर पे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।